केपलर का फर्स्ट लॉ। देखो, केपलर एक साइंटिस्ट था जिसने प्लैनेट्स के ऊपर काम किया, और ऑब्वियसली बिना जाए काम किया। लोग तो अभी बहुत चीज़ें, टेक्नोलॉजी आ गई है, देख भी सकते हैं क्या हो रहा है। पर उस टाइम ये बात निकालनी कि सन और अर्थ की लोकेशंस कैसी हैं, ये बड़ी बात है। मतलब कौन बिना देखे, देखो चांद सितारे तो हम भी देख लेते हैं, आप भी देखते हो, कोई कैसे बता सकता है कि जब अर्थ घूमती है तो पहली बात वो सर्कल में नहीं घूमती, बिल्कुल भी नहीं घूमती। गलत सिखाया जाता है बचपन से, अर्थ गोल घूमती है, गोल बिल्कुल गोल नहीं घूमती, वो एलिप्स घूमती है, वो एलिप्स की फॉर्म में घूमती है। नंबर वन, केपलर का पहला लॉ यही कहता है कि अर्थ सन के आसपास सर्कल में नहीं घूमती, एलिप्स में घूमती है। ये एलिप्स का एक्सिस है, मेजर एक्सिस है, और ये माइनर एक्सिस है, बड़ा और छोटा। ये मैथ्स के लोग आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिखाया करते हैं, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। इसमें ये बताया जाता है कि जो सन है वो इस मिड पॉइंट और इस कोने के पॉइंट के भी मिड पॉइंट पे है। मतलब सेंटर में तो बहुत दूर की बात है, इस मिड पॉइंट पे पड़ा हुआ है, और इलिप्स के ऐसे दो मिड पॉइंट है। तुम जहां मर्जी अज्यूम कर लो, सन को यहां कर लो या यहां कर लो, ये इलिप्स का फोकस होता है, ये इलिप्स का फोकस पॉइंट कहलाता है, मिड पॉइंट बिटवीन सेंटर एंड कोने का पॉइंट, ये फोकस पॉइंट है। इस पॉइंट को फोकस बोलते हैं और दो फोकस को फोकाई बोलते हैं, तो किसी भी एक फोकस पे। क्लियर है यहां तक? और अर्थ जो है वो सन के आसपास इस ऑर्बिट में घूम रही है, मतलब सन की लोकेशन बहुत नजदीक आ जाएगी और फिर बहुत दूर भी चली जाएगी, फिर नजदीक आएगी और दूर जाएगी, ऐसे वो डिस्टेंसेस सन से चेंज करती रहती है। ये केपलर का फर्स्ट लॉ था। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ है।